हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया आधार कार्ड कैसे आप बना सकते हैं अपने घर बैठे, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करना है जिसके नाम से बनाना चाहते हैं। आप अपने घर बैठे ही अपने आधार कार्ड बना सकते हैं बच्चों के लिए। नए बच्चों को जिनका नहीं बना है आधार कार्ड, उनका आधार कार्ड बनाने के लिए आपको ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ से आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं IPPB कस्टमर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आना है, चिल्ड आधार इनरोलमेंट, आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो चेक मार्क दे रहा है इसको चेक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है जिसके नाम से आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हो। तो पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, यहाँ पे मिस्टर है, मिसिस है, MS है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं मिस्टर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है जिनका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं। एक मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएगा उसके साथ। एक ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सही सही एड्रेस लिखना है। एड्रेस पे आपका इंडियन पोस्ट बैंक के अधिकारी जो होगा वो आके घर पे आपके आके और आधार कार्ड बना के जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री। तो इसी एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना है, जो एड्रेस आपका जेन्युइन है, जिस एड्रेस पे आप रहते हो। तो पूरा पूरा सही सही आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है अपने एरिया का। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है कि नियर में, आपके नियर में कौन सा पोस्ट बैंक पड़ रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करते ही जो भी नियर में होगा वो आपको दिख जाएगा, उस पर आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करिएगा ऑटोमेटिक ये पूरा फिल एड्रेस फिल वहाँ का आ जाएगा। उस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक लिखना है अपनी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिखना है। जैसे कि आपका न्यू आधार कार्ड बनवाना है तो देखिए माई न्यू आधार कार्ड, आपको सिर्फ इसमें लिख देना है। और यहाँ पर एग्री है, इसका डिस्क्लेमर जो एग्री पर आपको एग्री करना है ऐसे चेक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है 5230, आपको इसमें आपको डाल देना। जैसे आप डालोगे यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे एक हफ़्ता आपको वेट करना है, अपने घर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक हफ़्ता होगा उससे पहले ही आपके घर पर आके जो इंडियन पोस्ट बैंक के तरफ से जो अधिकारी होगा, जो इंडियन पोस्ट बैंक आपके नज़दीकी होगा, वहाँ से आके आपका बच्चे का आधार कार्ड बना के जाएगा, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करिए, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले दोस्तों, बाय बाय।